लोकसभा चुनाव के ताजा रुझानों में बीजेपी ने भले ही बहुमत का आंकड़ा न छुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराकर बीजेपी जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस के खेमे में मायूसी छाई हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है। एमपी की हाई प्रोफाइल सीटें इंदौर, बीजेपी के शंकर लालवानी 12,26,751 वोटों से जीते। विदिशा, शिवराज सिंह चौहान 8,20,868 वोटों से जीते। खजुराहो, वीडी शर्मा 5,25,798 वोटों से जीते। गुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया 5,40,929 वोटों से जीते। राजगढ़, बीजेपी के रोडमल नागर करीब 80,126 वोटों से जीते। छिंदवाड़ा, भाजपा के बंटी साहू 1,11,127 वोटों से जीते। मध्य प्रदेश की हॉट सीट पर मिले बंपर जीत के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने विकास का नया कीर्तिमान बनाया है, तो वहीं शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता ने 29 कमल के फूलों की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की है। माननीय प्रधानमंत्री का योग्य कुशल नेतृत्व है, जनता को उनके काम पे भरोसा है, और 6 महीने पहले जो भाजपा की सरकार हमारी बनी थी उसके काम का भरोसा जनता ने देखा है और जनता का दिल जीता। यही कारण है संगठन में भी हमारी उसी प्रकार से मेहनत हुई और एकजुटता के साथ चुनाव लड़े, उसका परिणाम आया। जनता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और अद्भुत जनता कार्यकर्ता की ने दिन और रात परिश्रम किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि संकल्प के साथ ये हमारे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। इस विजय के बाद विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बने, इसके लिए हम परिश्रम की मुलाकात और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बहुत बेहतर काम करेगी सबको पूरा करने के लिए। इधर जहां बीजेपी में जश्न का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में मायूसी नजर आ रही है। लेकिन देश में एनडीए के 300 का आंकड़ा न छूने और इंडी गठबंधन की लीड को लेकर खुशी भी है। अपना राजगढ़ खो चुके दिग्विजय ने दावा किया है कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। जहां मोदी जी 400 पार कर रहे थे, वहां स्वयं भाजपा 237 पर अटक गई है। 237 उनके नेतृत्व पर भी अब प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। अब ये देखना है कि राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया था कि किसी हालत में नरेंद्र मोदी 4 जून को प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बहरहाल लोकसभा नतीजों की तस्वीर लगभग साफ है। प्रदेश में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है, पर केंद्र में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है। हालांकि एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, पर पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।